दोस्तों फाइनली अभी भी पोको ने उनके दो नए स्मार्टफोन को रिवील कर दिया है, जो कि है पोको M4 Pro और यहाँ पर पोको X4 Pro 5G। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पोको के इन दो नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि फिलहाल लॉन्च कर दिए गए हैं। क्या फीचर्स हैं, किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पोको M4 Pro 4G और यहाँ पर पोको X4 Pro 5G, ये दो स्मार्टफोन यहाँ पर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में आज अभी अभी यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करूँ आपसे पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो हालांकि ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन रेडमी के रीब्रांडेड वर्जन हैं, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात करें डिज़ाइनिंग के बारे में, तो डिज़ाइनिंग लोगों ने थोड़ा सा इसका यूनिक किया हुआ है, बट मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई। आपको पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन की कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है। बेसिकली ये रेडमी नोट 11 प्रो 5G स्मार्टफोन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च है, उसी का रीब्रांडेड वर्जन है। उसी को उठा करके थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इन लोगों ने स्मार्टफोन को लॉन्च किया हुआ है। डिज़ाइनिंग आप देख सकते होंगे, बाकी आप मुझे बताइएगा कि डिज़ाइनिंग आपको कैसे लगी। उसके साथ में डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में प्रोवाइड की गई है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है। 67 वाट का चार्जर है। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट है। NFC का सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये स्मार्टफोन ग्लोबल वेरिएंट है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है। 3.5 mm ऑडियो जैक है। जेड एक्सिस मोटर आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये स्मार्टफोन ग्लोबल वाला ही वेरियंट है, बस डिजाइनिंग में यहाँ पर चेंज किया गया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वारंटी, जिसमें आपको 6GB 128GB स्टोरेज वारंट देखने को मिलती है, इसकी अगर हम ग्लोबल प्राइस को इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 25,000 रुपए इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो निकल करके आती है। और अगर यहां पर इसके अर्ली बर्ड प्राइस की बात करें, जो कि आप कह सकते हैं फर्स्ट फ्लैश सेल के लिए ऑफर रखा गया है, उसके हिसाब से अगर इसकी प्राइस को देखें तो इसकी जो प्राइस है वो 22,700 रुपए निकल करके आती है। तो मेरे ख्याल से प्राइस जो है वो थोड़ी और कम होनी चाहिए थी, एटलीस्ट अगर पोको के ब्रांड में यह स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है तो रेडमी नोट 11 प्रो 5G जो स्मार्टफोन है, अगर वो इंडिया में 20-21,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आता है, सेम उसी प्राइस पॉइंट पर पोको X4 Pro 4G, सेम उसी प्राइस पॉइंट पर पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन भी आ जाता है, तो फिर पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन के लॉन्च होने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया में जब यह स्मार्टफोन आए तो 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर आए। बाकी बात करें अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है फिलहाल यहां पर पोको M4 Pro, तो पोको M4 Pro स्मार्टफोन कोई और नहीं बल्कि रेडमी नोट 11 प्रो 4G स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन है। यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं उनको तोड़ मड़ोड़ करके थोड़ा ऊपर नीचे करके यहां पर लॉन्च किया गया है। बाकी स्मार्टफोन वही है, इसमें भी डिजाइनिंग आपको वही पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन जैसे ही देखने को मिलती है। पीछे की साइड जो डिजाइनिंग वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी स्मार्टफोन उसी स्मार्टफोन जैसा देखने को मिलता है। कैमरा का पूरा पैटर्न वहीं पर वहीं वाला दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है डॉट नॉच के साथ में। उसके साथ में 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन ट्रिपल रियर कैमरा है। 33 वाट का चार्जर दिया गया है। उसके साथ में आपको यहां पर मीडियाटेक हीलियो G96 का जो प्रोसेसर है वो फिलहाल यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये है कुछ कंफर्म फीचर्स जो कि आपको पोको M4 Pro 5G जो कि आपको पोको M4 Pro 4G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। अगर इस स्मार्टफोन की अर्ली बर्ड प्राइस की बात करें तो उस प्राइस को अगर हम इंडिया प्राइसिंग से कन्वर्ट करते हैं, जो कि इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB स्टोरेज वेरियंट के लिए निकल करके आई है, तो वो निकल करके आती है कुछ यहाँ पर 16,000 रुपए। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्राइस पॉइंट है। तो फिलहाल ये कुछ डिटेल हैं पोको के इन दो नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि फिलहाल यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोको से, आप अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा। दोस्तों यहीं तक इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।